नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। तो सबसे पहले गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां दे। सुबह के 8 बज रहे हैं, कई घरों में नाश्ता हो गया होगा, कई घरों में बन रहा होगा और कुछ दर्शक तो हमारा शो देखते हुए नाश्ता कर रहे होंगे। मैं आज नाश्ते की ही बात करने जा रही हूँ। आज भोजन से जुड़ी हुई बहुत सी खास जानकारियाँ गुरुजी आपको देने वाले हैं। आपका जीवन पलटने वाला है, कैसे पलटेगा इसकी जानकारी देंगे। यहाँ ज्ञान दर्शन नहीं होता है, इस शो पर सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे की बात होती है। क्या आपको पता है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? क्या आप गरीबी और मुसीबत को बढ़ाने वाला खाना खा रहे हैं? कैसा होना चाहिए सौभाग्य दिलाने वाला निवाला? गुरुजी, खाना तो एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा लगता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, हमारी रोज की जरूरतों में से एक है, इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो वो हमारे कैसे सौभाग्य और दुर्भाग्य से कनेक्शन रख सकता है? बेटा एक बात है, सिंपल सी बात है कि आपकी बॉडी में जो प्लेनेट खराब हो करके अपनी ऊर्जा वहां पर स्थापित कर चुका है, अगर उससे संबंधित खाना आप खाओगे तो आपकी बॉडी भी खराब होगी, आपकी सोच भी खराब होगी, आपका मन भी खराब होगा। और जो प्लेनेट आपकी बॉडी के अंदर शुभ होकर के अपना स्थान बना चुका है, उससे संबंधित अगर खाने, दालें, सब्जियां, फ्रूट अगर उससे संबंधित आप खाते हो तो बेटा आपकी ग्रोथ दिन प्रतिदिन और बढ़ेगी, सोचने समझने की क्षमता और बढ़ेगी और वर्किंग स्टाइल ऐसा रहेगा कि आप कभी चोट ना खाओ। समझे? अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा। पुराने समय में तुमने देखा होगा, बल्कि आजकल भी होता है बहुत सारी जगह, कि जो कर्म कांड करने वाले, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वो मसूर की दाल नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते। आज भी बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, क्यों? कारण ये है, मसूर मंगल की एनर्जी को, यानी कि उतावलेपन को, तेजी को, खून की गर्मी को बढ़ाता है, ठीक है। और अगर पूजा पाठ करने वाला इंसान मसूर खाने लग जाए तो उसका पूजा पाठ से ध्यान भटकेगा, हर वक्त उतावलापन रहेगा और कोई ना कोई ये दिमागी ख्यालात ऐसी उछल कूद मचाएंगे कि उसका पूजा पाठ में ध्यान नहीं रखेगा रहेगा। और एक जगह टिक करके, जैसे पंडित जी को सुबह 4 बजे उठना होता है, 5 बजे तक स्नान करके मंदिर पहुँचना होता है, इसके लिए बेटा एक दृढ़ निश्चय चाहिए होता है और एक ठहरा हुआ नॉर्मल खून चाहिए होता है, जो खाम खाई के ज्वार भाटे शरीर में ना उठाए और आपको भटकाए नहीं। तो उसके लिए लोग क्या करते थे, मसूर की दाल छोड़ते थे। अब लहसुन और प्याज, इसका काम क्या है, आप देखते हैं कि लू अगर किसी को लगती है तो कहते हैं प्याज अपने पास रख लो, ठीक है। क्यों कहते हैं? उसका कारण ये, प्याज के अंदर वो गुण है कि जो आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी को बना करके रखता है और ज़्यादा गर्मी को निकालने का काम करता है। ये चीज़, लहसुन और प्याज का सेवन आपके हार्मोन्स के अंदर एक ऐसी चीज़ डेवलप करता है कि जिससे कि आपका खून, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट रहे, उसके कारण कैल्शियम यानी कि वीर्या ये ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो, और जब ये ज़्यादा उत्पन्न होता है तो इंसान की उमंगें बहुत बढ़ जाती हैं, और जब वो बढ़ जाती हैं तो इंसान का ध्यान भटकता भी है, इसीलिए लहसुन और प्याज भी वर्जित है। लहसुन के बारे में आप जानते ही हैं कि लहसुन अगर रात को भिगो करके खाया जाए तो उससे कोलेस्ट्रॉल डाउन होता है, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बुरे व्यसनों का प्रयोग करते हैं, या ये कह सकते हैं कि मांस का प्रयोग करते हैं, समझे, वो लोग अगर लहसुन खाते हैं ठीक है चलेगा कि उधर से वो अपने कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहे हैं और इधर से ये लहसुन घटा रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए ये चीज़ वर्जित है। लेकिन इसी प्रकार से और बहुत सारी चीज़, कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। जिनका बृहस्पति खराब होता है उन लोगों को जुकाम रहता है, साइनस रहता है, ठीक है, उनको छींके एलर्जी, किसी को डस्ट एलर्जी, किसी को कंबल की एलर्जी, समझे, कहीं बाहर निकलते हैं तो धूल की एलर्जी, ये सारी एलर्जियाँ उनको होती हैं। फिर ऐसे लोगों का आगे चल के शरीर मोटापे पे जाने लगता है, खूब फैलता है, और कई लोगों को तो स्वेलिंग की दिक्कत आ जाती है कि यानी कि शरीर के अंदर पानी भरना और ये मोटी मोटी टांगे हो जाना,
हाथ पांव मोटे मोटे हो जाना, ये बृहस्पति की एक्सट्रीम खराबी होती है। ये लोग दिखने में बेहद मिलनसार, बहुत अच्छे, दूसरों का भला सोचने वाले, पूजा पाठ करने वाले और पूजा पाठ के नाम पे हर किसी की बात मान जाने वाले लोग होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी अपनी बुद्धि जो एक गहराई में सोच करके किसी को तोल करके डिसीजन लेने वाली जो बुद्धि होती है वो इनके पास होती नहीं, इसलिए ये अच्छे होते हैं, यानी कि कोई भी इनको बहका सकता है। अब जब बुद्धि इस लेवल की है तो नेचुरली बात है जो गहराई से मैनेजमेंट चलाने वाले काम होते हैं, गहराई से सोच करके बिजनेस की प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करने वाली जो सोच होती है ये इनके पास रहती ही नहीं, ठीक है। अब ये इनके पास नहीं रहती, ऐसे में इनको कड़ी का शौक हो जाए, ठीक है, चने की दाल की तरह तरह के व्यंजन बना के ये खाते हों, और नहीं तो वो कहावत तो आम ही है ना, एन एप्पल ए डे डॉक्टर कीप अवे। ये सेब के बहुत शौकीन हो जाते हैं क्योंकि सुनी सुनाई बात ये सारी कोई करते हैं, ठीक है। अब ऐसी अवस्था में बेटा ये जितना एप्पल खाएंगे इनका शरीर और बिगड़ेगा, ये जितना एप्पल खाएंगे इनको जुकाम और बढ़ेगा, क्योंकि एप्पल ये बृहस्पति की प्योर वस्तु है। ये जितनी चने की दाल का प्रयोग करेंगे, कड़ी का प्रयोग करेंगे इनको, क्योंकि उसमें भी बेसन डलता है, तो इनकी और तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी। इन लोगों को सोना पहनने का और दिखावा करने का बड़ा शौक होता है। इनके पास अगर सोना घर में है ना, और अगर कहीं वो थोड़ा है तो ये सारा ही पहन के रखते हैं, समझे। और अगर ये किसी दुकान पे चले जाते हैं तो वहां से खाली हाथ लौटना इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत और बेइज्जती होती है। इसीलिए दुकानदार, आपको पता सेल्समैन कैसे होते हैं, वो पूरा ग्राहक को पढ़ते हैं और कोई ना कोई चीज़ बेच के ही बेचते हैं। और इन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि ये मना नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अपनी शान बरकरार रखनी है, अपनी शान को बरकरार रखने के लिए पैसे खर्चना इनकी मजबूरी होती है। तो एक तो प्लानिंग करने की बुद्धि नहीं, मैनेजमेंट को संभालने के लिए वो धैर्य नहीं है, ऊपर से खर्चे की ऐसी आदत, और ऊपर से दिखावे की आदत, और ऊपर से शरीर बेकार पे बेकार। लेकिन इसकी शुरुआत बृहस्पति की वस्तुओं का प्रयोग करने से और बढ़ती चली जाती है और खराबी की तरफ जाती है। तो ऐसे में इसके विपरीत खाने खाने चाहिए। पहली बात जो मैं मना कर बता दूं कि इसके अंदर चने की दाल नहीं खानी चाहिए, कड़ी का प्रयोग बिल्कुल नहीं खाना करना चाहिए, और बेसन से बनी कोई भी आइटम नहीं खानी चाहिए, और सेब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये लोग जितना सेब खाएंगे इनकी शारीरिक प्रॉब्लमें उतनी बढ़ेंगी, और बल्कि इनको एक और प्रॉब्लम हो जाएगी कि पेट में से दर्द उठेगा और कमर तक जाएगा, और वो केतु को ख़राब कर देगा। और जिस दिन कमर का दर्द शुरू हो गया या सर्वाइकल इनको शुरू हो जाए, फिर इनकी मानसिकता सिवाय दूसरों के अंदर कमियां ढूंढ के लड़ने, बार बार लड़ना और हर किसी की बात का बुरा मान जाना, ये इनकी नेचर में अपने आप शुमार होता चला जाता है। सारे सद्गुण खत्म हो जाते हैं, कमाई के हालात इनके सामने नहीं आ पाते, इधर से गरीबी बढ़ती है, उधर से स्वभाव खराब होता है, उधर से लोग छूटते हैं, अपने छूट जाते हैं, बेटा अकेले रह जाते हैं ये लोग, ठीक है। इस तरह से बेटा खाना भी दुश्मन होता है इंसान का। ये तो गुरुजी ने एकदम नई बात बताई है कि हमारा जो खाने का निवाला है वो हमारा दुश्मन भी हो सकता है। गुरुजी हमें तो लगता था ये खाना हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है, लेकिन आज गुरुजी बता रहे हैं कि आप क्या ना खाएं और क्या खाएं, यानी कि आपका दुर्भाग्य जो बढ़ रहा है कहीं आपके खाने की वजह से तो नहीं है, कहीं आप गलत खाना तो नहीं खा रहे हैं। गुरुजी आपने दाल के बारे में बताया, प्याज लहसुन के बारे में बताया, अब हम आपसे जानना चाहते हैं आजकल लोग फास्ट फूड बहुत खाते हैं, तो जो लोग फास्ट फूड खाते हैं किनको सूट करता है किनको नहीं करता है, यानी कि फास्ट फूड किसके लिए सौभाग्य हो सकता है किसके लिए दुर्भाग्य हो सकता है, और दुर्भाग्य तो लक्षण क्या है और उपाय क्या है? बेटा फास्ट फूड में क्या होता है, सबसे पहले उसके अंदर मिल्क प्रोडक्ट यानी कि जिसको चीज़ कहा जाता है ये सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके अंदर मक्खन वगैरह ये बहुत ज़्यादा होता है, मक्खन या घी कुछ भी कह लीजिए, फिर उसके अंदर मैदा होता है, ठीक है। अब उसके ऊपर टॉपिंग्स के रूप में वेजिटेबल्स भी होते हैं और नॉन वेज भी होता है, ये सारा कुछ डाला जाता है। तो इसके अंदर बेटा जो पार्ट मैदा और जो चीज़ है समझे, या डीप फ्राई है समझे, ये सारी की सारी जितनी चीज़ें हैं ये मंगल की वस्तुएं हैं। और जो तंदूर से बने हुए खाने होते हैं, जैसे तंदूर की रोटी, तंदूर में लगे हुए वो चिकन वगैरह, और तंदूर के अंदर वो टिक्का वगैरह जो बना हुआ होता है, वो पनीर का टिक्का और ये वो,
ये सारी जितनी चीज़ें हैं इनके ऊपर भी बार बार घी लगा करके इनको तंदूर के अंदर पकाया जाता है। तो चाहे फास्ट फूड कह लीजिए, चाहे ये तंदूरी आइटम, ये सेम थिंग है। और ऐसे में ये खाना बनता है मंगल का। लेकिन अब ये मंगल किन किन को सूट करता है? बिल्कुल, जो लोग बहुत ही जॉली नेचर के हैं, मिलनसार हैं, और जिनके दोस्त खूब अच्छे हैं, जो छोटी छोटी बात को इग्नोर कर देते हैं, उसको इश्यू नहीं बनाते, समझे? और दोस्त अगर गलती कर भी दे या दोस्त से गलती हो भी जाए, उसको माफ़ करना और हमेशा गले लगना और अपने भाई बहन के साथ मिलके चलना और हर काम को डेडिकेटली करना, यानी कि काम को करके बाज आना। जिनके अंदर ये गुण है बेटा, वो अगर ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते रहे, उनको कोई नुकसान नहीं है, समझिए। लेकिन जो हैं दो तीन चार भाई या एक सिंगल हैं और उसके बाद में उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बचपन के अंदर उनके चोटें अगर बहुत लगी हैं, जिनकी बचपन के अंदर अपने पड़ोसियों से लड़ाई हुई है, अपने भाइयों से लड़ाई हुई है, अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं जमी, समझ गए, और पढ़ाई पूरी करने में जिनको दिक्कतें आई हैं, समझ गए, और वो उसके बाजू या अटक अटक के पढ़े हैं या ग्रेजुएशन तक मतलब कि बस किसी तरह से कर गए, ऐसे अगर हालात हों, और इसके बाद में इनके यहाँ परिवार के अंदर फोड़े और फिंसी होना आम बात हो, समय समय पे किसी न किसी को होते आई है, और सबसे बड़ी बात जिनके मन के अंदर जेलस भावना रहती है, जो सामने वाले के अंदर कमी बहुत जल्दी खोज लेते हैं, बेटा इन लोगों को भूल के भी कभी फास्ट फूड और तंदूर में बना हुआ खाना, मसूर की दाल, ये कभी नहीं खानी चाहिए। और एक बात और भी बेटा, कहते हैं ना कि नीम जो होती है उसकी पत्तियां अगर खाओ तो खून प्योरीफाई होता है, फोड़ेफिंसी चले जाते हैं जी। बेटा इन लोगों के घर के पास में नीम का पेड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इन लोगों को फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, इन लोगों को तली हुई पूरियां ये बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, छोले भटूरे इनको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, ये जितना खाएंगे होगा क्या, मैं सुनो, इन लोगों का पहले मोटापा पड़ेगा, पेट निकलता चला जाएगा, चटपटे की आदत इनको दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे पेट निकलना शुरू होता है इनकी आंखों का ना चश्मे का नंबर बढ़ना शुरू होता है, और चश्मे का इधर नंबर बढ़ना शुरू होता है, उधर अपने दिमाग के अंदर जेलस भावना तो होती होती है, किसी तरह से भी चोरी वाला तरीका यानी कि हेरा फेरी वाला तरीका, वो दिमाग के अंदर सोच बढ़ कर के ये गलत तरीके से पैसा कमाने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि बचती नहीं क्योंकि अंदर सहन शक्ति होती नहीं, बहुत जल्दी पकड़े भी जाते हैं। फिर बुरी आदतें यानी कि शराब का प्रयोग, मांस का प्रयोग या किसी और तरह के जितने भी बुरे व्यसन होते हैं, यानी कि विपरीत लिंग की तरफ अट्रैक्शन होना, अय्याशी के ऊपर पैसा खर्च करना, ये इनकी सेहत में शुमार होता चला जाता है, क्योंकि जो वो जो इजी मनी है ना उसकी भी आदत होने लगती है, शॉर्टकट, हाँ ये चीज़ वो सब होता है, और साथ में ये बढ़ता है। अब इसके बाद क्या होता है, जितने इनके पुराने यार दोस्त होते हैं सब छूट चुके होते हैं, प्रोफेशनल नए नए दोस्त बनते हैं, और वो भी जो नए नए दोस्त बनते हैं वो सारे ऐबी होते हैं, और अच्छे ऊँचे अगर दोस्त किस्मत से एक दो मिल जाए प्रोफेशनल, उनको इतना जल्दी जल्दी ये काटते हैं कि इनका काम चार ही दिन का होता है, उसके बाद इनका काम छूटने लगता है, उसके बाद इनके अंदर बैठे बैठे धीरे धीरे करके प्रॉब्लम है, अब शरीर के अंदर की तकलीफें इनकी बढ़ती चली जाती हैं, और एक टाइम में इज्जत आकर के ख़राब होती है, और इज्जत जब खराब होती है तो फिर ये घर पे बैठते हैं, और घर पे बैठते तो बच्चे और बीवी की नज़र में भी इनकी इज्जत चले जाती है, समझ गए, वहाँ से इनके फिर बुरे दिन शुरू होते हैं। यानी कि जो लोग बहुत जल्दी दूसरे से जेलस करते हैं, बढ़ता देख नहीं सकते, जिनको चोरी की आदत पड़ रही है यानी इजी मनी कमाने की आदत पड़ रही है जिनको, और जिनकी आंखों का चश्मे का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, पेट आगे को निकलता चला जा रहा है बेटा, और लड़ाई बहुत जल्दी होती है, ये वाले दुर्गुण जिनके अंदर हैं बेटा, उन लोगों को भूल के भी फास्ट फूड, तंदूर का बना खाना, डीप फ्राई खाना और मसूर की दाल का प्रयोग भूल के नहीं करना चाहिए। ये लोग जितने खाते जाएंगे उतनी ही खराबियां बढ़ती जाएगी, और इन्हीं लोगों को बेटा
कैंसर या अल्सर जैसी प्रॉब्लम होना शायद इनके लिए ज़्यादा जल्दी इनके पास आती है, ये मैं कह सकता हूँ। तो इसीलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी है, और जिनके साथ में ये दिक्कत हो उनको और क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। घर के पास में कोई भट्टी या तंदूर नहीं जलना चाहिए, और घर में तो बिल्कुल नहीं। घर के पास में नीम का पेड़ भूल के नहीं होना चाहिए। घर इनका साउथ फेसिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझ गए। और अपने आप को मेडिटेशन में लेके जाना चाहिए, अपने आप को धैर्य में लेके जाना चाहिए, और रियलिटी में एक कसम खानी चाहिए कि ज़्यादा चटपटा ज़्यादा नमकीन ये खाएंगे नहीं। इनको हल्के हल्के मीठे पे रहना है, ठीक है, ये खाएंगे नहीं और बेईमानी से ये कमाएंगे नहीं। अगर बेटा अपनी सोच को ही बदल दिया तो सोच के अनुसार ही हमारी पूरी फिजिक भी बदलती है, समझे। आप खान पान बदलिए, उसके साथ भी आपकी फिजिक बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी, और जब सोच और फिजिक बदलेगी काम करने के तरीके भी अपने आप बदलते चले जाएंगे और दुख आपके पास से दूर रहेंगे। तो गुरुजी आज हमको बता रहे हैं कि कैसे आपका मुंह का निवाला, जो आप खा रहे हैं गलत खा रहे हैं, तो कैसे आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल रहा है, या अगर आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो आप कैसे बिल्कुल सही खाना खाएं जो आपको सूट करे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे एक खाना आपके मुंह का निवाला कैसे आपके सौभाग्य को बढ़ा सकता है और आपका दुर्भाग्य का कारण भी बन सकता है। तो अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में आप कैसे बदलें, इसके बारे में ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा गुरुजी, मसाले जो हैं हमारे इंडियन खाने में हमेशा पड़ते हैं, और सबसे ज्यादा मसाले इंडिया में ही यूज किए जाते हैं। हर सब्जी में हम लोग मसाला खाते हैं, तो अगर हम मसाला जो लोग ज्यादा खाते हैं वो उनके लिए कितना परेशान बढ़ा सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा सकता है, और उसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं। अब बेटा मसाले भी एक तरह के नहीं होते, मसाले बहुत तरह के हैं, और मसालों की खासियत ये है कि लगभग हर ग्रह से रिलेटेड कोई ना कोई मसाले हैं। जैसे आपने काली सरसों देखी होगी, काली सरसों, जीरा और लौंग, ये राहु से रिलेटेड है। दालचीनी, मुलट्ठी, ये बृहस्पति से रिलेटेड है। काली इलायची, वो बुध मिश्रित शनि से रिलेटेड है, समझ गए। इस तरह बेटा हम जितने मर्जी मसालों का नाम ले सकते हैं, हर मसाला किसी न किसी ग्रह से कंसर्न है। लेकिन जो इकट्ठे गरम मसाला जिसे हम बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिला करके पीस दी जाती है, उस मसाले को हम राहु बोलते हैं। और राहु है क्या, ना आकाश में कोई ग्रह है, ना धरती पे कोई चीज चलती हुई नजर आती है, ना कोई स्तंभ है, तो राहु कौन है। मैं आज आपको इसका खुलासा कर देता हूं बेटा कि राहु क्या है। आकाशमंडल में जो 7 ग्रह हैं, इनका प्रभाव जब हमारे शरीर पर पड़ता है, अब वही ग्रह, मान लो सूर्य है, वो कभी मेष राशि में होता है, कभी मकर राशि में होता है, और वो कभी कर्क में होता है। अब इनके मिलने से, इन सब ग्रहों के अलग अलग पोजीशन पे बैठने से एक तरंग उठ करके ऊपर आकर के जो मिलती है, और जो एक सोच और फिजिक बनाती है, दिमाग के अंदर ही आती है ना सारी तरंगें, यहाँ आकर के सोच और सोच के अनुसार जो फिजिक डेवलप होनी है, वो जो सारी ग्रहों की एनर्जी का कॉम्बिनेशन है उसे राहु बोलते हैं। इसीलिए बहुत सारे मिक्स गर्म मसालों को भी राहु ही बोला जाता है, समझ गए क्या चीज। अब मसालों में जो लोग सांस की तकलीफ से ग्रसित हैं, अस्थमा जिनको रहता है, जिन लोगों के यहाँ प्रोफेशनल तो लोग कामयाब होते हैं लेकिन बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं होते हैं, जिन लोगों के यहाँ पर भाई भाई में आपस में नहीं बनती, और पिता और पुत्र के विचार नहीं आपस में मिलते, समझे, और या फिर पुत्र पिता के पास में रहता हुआ किसी काम के ऊपर जब सेट नहीं होता, तो बेटा इन लोगों का केतु खराब होता है। और इन लोगों का, जिन लोगों का केतु खराब हो, वो अगर सरसों की छोक, जो कि आम अरहर की दाल वगैरह में लगा के खाते, या इमली डाल करके खाने वाले जो स्वाद जो होता है वो, ठीक है, या फिर किसी भी तरह से ये अपना बहुत सारे मसाले मिक्स करके ज़्यादा मसाले वाला खाना खाना, बेटा इन लोगों के लिए बेहद घातक होता है। ख़ास तौर पे अगर
इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपके यहाँ दो या तीन पुत्र हैं, चार हैं मान लीजिए, जो आपसे दूर है, दूसरे शहर में रहता है या विदेश में रहता है, अगर वो कामयाब है, और आपके पास जो पुत्र रह रहा है वो अगर कामयाब नहीं है, समझे, और आपके साथ में भी कोई ना कोई दिमागी क्लैशेस उसके बने ही रहते हैं, और घर में अगर सांस की तकलीफ है, समझे, तो ऐसी अवस्था में आपके घर के अंदर सबसे बड़ी बात रसोई और वॉशरूम ये आमने सामने होंगे, एक ये चीज। दूसरी बात, घर का जो सेंटर पोर्शन है वहां पर रसोई होगी लेकिन अंधेरे में, यानी कि ऊपर छत होगी, ये चीज। तीसरी बात बेटा, बाहर से आप जब अपने घर में एंटर करोगे तो पहले स्टेप चढ़ के मेन बेड़े में और उसके बाद स्टेप चढ़ के रूम में जाओगे, ये इसकी खासियत होगी। और जब बाहर से एंटर करोगे तो सामने दो दरवाजे होंगे, ये भी इसके सीन है। ये उन लोगों के लिए जिनके पुत्र पास में रहते हुए कामयाब नहीं हो पाते और दूर रह जाते हैं तो कामयाब होते हैं, इनका केतु खराब, और ऐसे लोगों के घरों में ही सांस की तकलीफ होती है। और ऐसे लोगों का एक और सिम्टम होता है कि अगर इनका कोई मकान ऐसा रहे जो रोड के लेवल से नीचे चला जाए, समझे, तो इनके घर में दुर्भाग्य पूरी तरह से आ जाता है और कभी भी कोई भी सुख नहीं मिल पाता, उसके बाद लगातार तकलीफें पाते हैं, हर काम खराब होता है। ऐसे लोगों को खास तौर पे बेटा जीरे की छौंक डाल के वो खाना, सरसों काली या पीली इसको छौंक लगा करके खाना, समझे, या गरम मसाले खूब सारे डाल के नॉनवेज बनाना और उसको खाना, बेटा इनकी मानसिकता, इनकी फिजिक और इनके कर्म, इन सबको अपने आप बिगाड़ता चला जाता है और सक्सेस दूर रखता है। और जिन लोगों को ये आदत पड़ जाती है ज़्यादा मसाला खाने की, इन लोगों को जिनके मैंने सिम्टम्स बताए, फिर इनके पड़ोसियों के साथ नहीं बनती, अपने रिश्तेदारों के साथ कमियां निकाल निकाल करके ये भी अलग होते हैं। और यही लोग जितने यार दोस्त बनाते हैं वो थोड़ी देर टिकते हैं, उसके बाद में उनके साथ बिगड़ जाती है। और इनके जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि कुदरती बात है थोड़ी सी सेल्फिशनेस आने लगती है और उसके कारण दोस्तियाँ छोड़ती है। ठीक है, आप देखा बेटा एक जीरा और सरसों क्या कर सकता है, बिल्कुल समझे। इसके विपरीत इन लोगों को केसर का तिलक लगाना चाहिए, बेसन से बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए, दूध में केसर उबाल के वो लेना चाहिए, एप्पल इनको खाना चाहिए, समझे, और सोना धारण करना चाहिए। और सबसे बढ़िया इनके लिए जो इलाज है पुत्रों का सुख पाने के लिए और पुत्रों को कामयाब करने के लिए, पिता को अपने कान के अंदर सोना धारण करना चाहिए और घर के अंदर सात्विक माहौल बना के रखें, मांस का परित्याग करें, ज़्यादा मसालों वाले खाने इनसे दूर रहे, और सबसे बढ़िया चीज़ वो है घिया इनके लिए। ये लोग लौकी और घिया का प्रयोग जितना करें, हफ्ते में बेशक एक दो बार खाएं, ये जितना खाएंगे इनके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, ये तो गुरुजी ने हमको बताया कि जो लोग ज्यादा मसाले खाते हैं वो किस तरह की परेशानी से जूझ रहे होते हैं और उनके उपाय क्या कर सकते हैं। गुरुजी अब आपसे जानना चाहते हैं कि जिन लोगों की शादी नहीं होती है, घर में सबसे ज्यादा ये बड़ी परेशानी हो जाती है बच्चों की शादी नहीं होती है, तो वो उसमें क्या वो कुछ गलत खाना खा रहे हैं या वो क्या गलत खा रहे हैं जिसको वो सुधार कर इस तरह की परेशानी से बच सकते हैं? इसमें भी बेटा है तो चार पांच तरह के सिम्टम्स, जी चार पांच तरह के योग बनते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन इसमें जो सबसे मेजर योग है वही जो मैंने पीछे बात करी, जो लोग ये मैंने कहा कि ये फास्ट फूड जो ज़्यादा खाते हैं, समझे, और तंदूरी खाना जो लोग ज़्यादा खाते हैं, जिनको तला हुआ बड़ा पसंद है, इनके या खास तौर पे ये भी प्रॉब्लम होती है कि ये इनके लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, ये कई बार तो 28, 30, 32, 35 साल की उम्र तक हो जाते हैं, इनकी शादियाँ नहीं होती, ये प्रॉब्लम होती है। और ये उसी मंगल ग्रह की वजह से ही होता है। इन लोगों को खास तौर पे अगर ये वाली प्रॉब्लम हो कि शादी नहीं हो रही है, समझे, तो ऐसे में इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय एक ही है कि 43 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटी, यानी कि पहले गुड़ की चाशनी बनानी है, गुड़ की चाशनी बना करके उसको आटे में गूंदना है और इतने ही आटे में गूंदना कि उसके 8 पेड़े बन जाए, और वो लेकर के बेटा उसको
लगे तंदूर के अंदर लगवा के, यानी कि एक तरफ सिकी हुई रोटी ही बननी चाहिए, तंदूर में बाहर से लगवा के लेके आओ, घर में तंदूर जलाना वर्जित है, ठीक है। तो इसमें जरा जा करके आप कौओं को और कुत्तों को डालो तो शादी बहुत जल्दी हो। तो लीजिए, अगर आप शादी की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपके खाने में ही आपको इसका उपाय मिल गया। अच्छा गुरुजी, नौकरी भी एक बहुत बड़ी परेशानी होती है, लोगों की नौकरी नहीं लगती है या बहुत जल्दी छूट रही होती है, तो उनका भी खाने से कुछ लिंक होगा, वो भी कुछ ऐसा गलत खा रहे होंगे जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पे पड़ रहा होगा। बिल्कुल ऐसा होता है। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं? नौकरी का घर कौन सा होता है? जन्म कुंडली का छठा घर, ठीक है। और पांचवा घर होता है आपके दिमाग को वो बुद्धि देने वाला कि जो नौकरी करने के लिए जरूरी है। नौकरी के लिए छठा घर, लेकिन नौकरी करने के लिए जो एक वो बुद्धि जो आपकी इमेज को बढ़ा सके, आपकी सोच बड़ी हुई दूसरे को इम्प्रेस कर सके और दूसरा आपकी इज्जत करे और आपके काम की तारीफ करे, ये वाला गुण पांचवें घर में होता है। और पांचवें घर के अंदर अगर पापी ग्रह शनि राहु केतु तीनों में से कोई भी बैठा हो, शनि बैठा हो तो क्या होता है, मैं सिम्टम बताता हूँ। शनि वहाँ पर बैठे हों तो पिता के साथ में विचार नहीं मिलते, पिता के अंदर ऐब होते हैं, पिता गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं, या फिर वो अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ के ही बैठे होते हैं कि ठीक है भाड़ में जाए, उन्होंने बोलना तो ज़रूर है लेकिन जिम्मेवारी नहीं घर की पूरी करनी। ऐसे लोगों को नौकरी से संबंधित दिक्कत बहुत आती है, यह चीज़ें। अब इन लोगों को क्या करना चाहिए? ये लोगों को भूल के भी तले हुए बादाम नहीं खाने चाहिए, इन लोगों को मांस का प्रयोग भूल के नहीं करना चाहिए, ये खास तौर पे फिश का प्रयोग, अंडों का प्रयोग और तंदूरी मांस का प्रयोग इनको भूल के नहीं करना चाहिए। ये जितना खाएंगे उतने ही दुखी होंगे, एक तो ये चीज़। दूसरी बात, ये लोग सरसों का प्रयोग भी नहीं कर सकते क्योंकि शनि और राहु का प्रयोग इनके लिए बहुत खराब करेगा। तीसरा बेटा, इनको काले और नीले रंग के वस्त्रों से सख्त परहेज करना चाहिए, सख्त परहेज। और इन लोगों को अपने खाने में चावल और गेहूं दोनों समान मात्रा में खाने चाहिए, यानी कि बराबर के चावल और बराबर का गेहूं, ठीक है। और इनके खाने में अगर हो सके तो वीकली मेन्यू ऐसा बनाएं कि जिसके अंदर चने की दाल, मसूर की दाल, गेहूं, चावल और चावल कई बार मीठे, समझे, ये बना करके खाना इनके लिए बेहद अच्छा होगा। जितना चटपटा मसालेदार गोलगप्पे, चाट पापड़ी, समझे, और तीखा खाना, समझे, मिर्च ज़्यादा खाना, ये जितना खाएंगे या शराब मांस का प्रयोग करेंगे इनके लिए उतनी ही खराबियां बढ़ती चली जाएंगी। और इसमें एक और प्रॉब्लम होती है बेटा जी, और वो प्रॉब्लम होती है आज के ज़माने के अंदर जितना एडवांस ज़माना हो गया है, इनको बुरी फिल्में देखने का बड़ा शौक होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसके पांचवें घर के अंदर पापी ग्रह आता है। और ये इनकी मानसिकता को क्या देता है, इनको एक ऐसी सोच देता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि नहीं, हम अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएंगे, हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके चक्कर में काम वाली जगह के ऊपर एक ज़्यादा उतावलापन और एक ज़्यादा दिखावा, ये वाली चीज़ दूसरों की नज़र में चढ़ा देता है, जो नौकरी का दुश्मन बन जाता है, समझे, और ऐसी वजह से भी ये नौकरी ले जाती है। तो ऐसे लोगों को उपाय क्या करना चाहिए, समझे, खाना पीना मैंने बता दिया, काले नीले रंग से दूर रहना ये बेहद ज़रूरी है, और साथ में उपाय क्या करना चाहिए, इन लोगों को हर शनिवार को 60 ग्राम साबुत सुरमा ये लेकर के जल प्रवाह कर देना चाहिए। बस इतना सा उपाय करते जाओ, नौकरी का खतरा खत्म रहेगा।